सलमान खान का इस तरीके का अवतार या फिर इस तरीके का मूड बहुत समय बाद सबको देखने को मिला है, और क्लियरली सलमान खान ने मांगी है एक पब्लिक अपॉलोजी, वो भी एक मीडिया हाउस चैनल से और एक लॉयर से भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। फिलहाल इस समय दोस्तों क्लियरली सलमान खान बहुत बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल वाले मूड में दिख रहे हैं। बिकॉज हाल फिलहाल अगर आपको याद हो, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 4 सितंबर के आसपास सलमान खान को लेके, जिसमें ये बात बोली गई थी कि सलमान खान का जो कनेक्शन है वो डी कंपनी से डायरेक्टली है। जिसके बाद क्लियरली ये सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई सच में है क्या, एक क्वेश्चन मार्क भी उठा। लेकिन ये चीज़ सलमान खान और उनके लॉयर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि क्लियरली आप किसी गैंगस्टर से सुपरस्टार सलमान खान को कनेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद DSK फर्म, जो कि सलमान खान का लीगल फर्म है, मतलब जिसके साथ सलमान खान जुड़े हुए हैं, जिसके क्लाइंट हैं, उन लोगों ने सलमान खान से बातचीत करने के बाद एक डिमांड की है पब्लिक अपॉलोजी की, और उसी के साथ साथ उस जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसकी रिमूवल की भी। और देखा जाए तो सलमान खान ने क्लियरली कहा है, और सलमान खान के जो लॉयर्स हैं उन्होंने बात क्लियरली कही है कि ये क्लियरली सलमान खान को डिफेम करने के लिए और उनके इमेज को टार्निश करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। ऑल दो ये भी कहा गया, जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो मिश्रा के स्टेटमेंट के बिहाफ पे है, कि जो थ्रेट्स आ रहे थे, जो दो शूटर्स जो कि सलमान खान के बाहर जिन्होंने गोली चलाई थी वो जेल में थे, और तमाम उनको धमकियां मिल रही थी और तमाम चीज़ें हमको देखने को मिली थी, विक्की गुप्ता और सागर पाल, जिनके बाद उनके जो लॉयर हैं मिश्रा जी, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि सलमान का क्लियर जो कॉन्टैक्ट है वो डी गैंग से है और टच है। जिसके बाद सलमान खान ने खुद इस चीज़ को बताया कि गलत है, एब्सोल्युटली फॉल्स, बेसलेस, मलिशियस, ग्रॉसली डिफेमेटिंग और मिसलीडिंग, डैमेजिंग, ऐसी तमाम चीज़ें और तमाम कोर्ट के सेंटेंसेस सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो सलमान खान ने पब्लिक अनकंडीशनल अपॉलोजी मांगी है विद इन 48 आवर्स। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में NI इस पर कोई रिप्लाई करती है या नहीं करती है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।